मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ खास बताने आया हूँ। इसे ध्यान से सुनना। मेरा जो भी बच्चा जो सभी के लिए अच्छा चाहता है, सभी के लिए दुआ मांगता है और जो मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो मेरे दर से कभी भी खाली नहीं लौटता है। उसके जीवन में मैं कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ समय से कष्ट चल रहे हैं, उनसे घबराना नहीं, क्योंकि ये कष्ट उन कष्टों से बहुत कम हैं जो तुम पर आने वाले थे, और मैंने उन कष्टों की पीड़ा को कम कर दिया है। मेरे बच्चे, जो दर्द और मुश्किलों का सामना तुम कर रहे हो, वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। तुम हमेशा समझदारी से काम लेते हो, अकेले होते हुए भी सब कुछ अच्छे से निभाना जानते हो। लेकिन मैं सब जानता हूँ कि बाहर से तो तुम मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें चिंताएं बहुत सताती हैं और तुम्हें खुलकर जीने नहीं देती, और तुम्हें घुटन सी महसूस होती है। लेकिन अब तुम ये व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो। ये मुश्किल दौर समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर पर खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे तुम अपने पुराने सारे दुख दर्द भूलकर एक नई शुरुआत कर पाओगे। तुम्हारा शिरडी आने का सपना भी मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा, और इसका प्रबंध भी मैं खुद करूंगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे बच्चे, जो इंसान एक बार शिरडी आ जाता है ना, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सभी विपदाओं का अंत हो जाता है। कोई भी शत्रु तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगा। जीवन में सकारात्मकता आएगी और तुम्हारा जीवन तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। बस तुम अपना शिरडी जाने तक का इंतजार करो। तब तक हर रोज मेरी उदी अपने मस्तक पर लगाओ, और जब भी तुम्हें समय मिले, मेरी साई सच्चरित जरूर पढ़ो। सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और कभी भी अपने आप को अकेला और कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो, और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।